केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान के तहत सोमवार को बड़ा कदम उठाया। इसके तहत देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। इसी कड़ी में नीमच में भी पहले दिन करीब 62 टन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आदित्य बिड़ला सीमेंट संयंत्र में आईजी संतोष कुमार सिंह, 4 DIG, 12 SP समेत करीब 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाला। इस दौरान सीमेंट संयंत्र के बॉयलर में पुलिस ने 575 प्रकरणों में जब्त 6000 किलो से अधिक डोडा चूरा, 160 किलो अफीम समेत कई मादक पदार्थों की जांच की, जिसके बाद कई मादक पदार्थों को केंद्रीय अफीम कारखाने में सुरक्षित जमा कराया गया, जबकि अन्य नशीले पदार्थों को बॉयलर में जलाया गया। वहीं इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय, माननीय अमित शाह जी द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग डिस्पोजल के तरफ विशेष ध्यान दिया गया है और समाज को नशा मुक्त किया जा सके इसके लिए विशेष 75 दिनों का अभियान चलाया जा रहा है। नीमच खोर की सीमेंट फैक्ट्री में जो ड्रग सीज किए गए हैं उसमें लगभग 575 प्रकरणों के ड्रग्स हैं और इसमें लगभग 62 टन ड्रग्स को आज यहाँ जलाया जा रहा है।